हम लोग खाना खाते हैं टाइम जो हाथ जूठे हो जाते हैं तो उल्टे हाथ से पानी पीते हैं, तो उल्टे हाथ से पानी पीते तो सीधे हाथ को थोड़ा सा नीचे टच करके पीते, तो वो सही तरीका है पीने का पानी में? नहीं, खाने और पीने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करना है, और जी पानी पानी पीने का जहां तक मसला है, आप गिलास को दाएं हाथ से पकड़िए। क्या होगा, गिलास में थोड़ा सा जूठा लग जाएगा, और क्या होगा, आप जी दाएं हाथ सर, से तो पकड़ के पीजिए, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर उसी गिलास से कोई और भी पीने वाला है तो आदमी थोड़ा एहतियात कर सकता है कि बाएं हाथ से पकड़ा, दाएं हाथ भी साथ में इस तरह से लगाया कि सिर्फ बाएं हाथ से पीना लाजिम ना आए। वरना आप जो है गिलास को दाएं हाथ से पकड़ने में कौन सी हर्ज की बात है, थोड़ा सा जूठा लग जाएगा उसमें, और क्या होगा। जी सेवो जी, बोतल से पीते हैं, उस गिलास तो नहीं रहता है, बोतल से पीते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, आप दाएं हाथ से पकड़ के पीजिए। हाँ, या तो अगर आप दोनों हाथ से पकड़ रहे हैं तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बाएं हाथ से पीना ये जायज नहीं है, हराम है। जी शेख अबू जैद, जो शेख अबू जैद जमीर, उसका मतलब वो दर्श दे रहा था तो बता रहे थे, मतलब दर्श में कि नहीं ऐसा पीना सही नहीं है, कि वो सीधे हाथ में थोड़ा सा टच रहता है, वो छोड़ने से कुछ मतलब छोड़ भी देगा तो फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें उल्टे में शुमार आएगा वो। हाँ, देखिए, आप जब बाएं हाथ से पी रहे हैं, सिर्फ दाएं हाथ थोड़ा सा टच कर लेने से ये नहीं कहा जाएगा कि आपने दाएं हाथ से पिया, और वो सही कह रहे हैं, क्योंकि असल तो आपने बाएं हाथ से पी रहे हैं आप। क्योंकि अगर दाएं हाथ आप हटा भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिलास ना तो छूटेगा ना गिरेगा, तो असल आपको दाएं हाथ से पीना है। हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप दाएं हाथ की हथेली पर रख करके पिए, मतलब वो गिलास या जो बर्तन है वो दाएं हाथ पर आपके टिकना चाहिए। अलबत्ता जज़ाकअल्लाह खैर। यहाँ पे एक यहाँ एक मसला और है शेख अरशद, जी जो मसला बहुत अहम है और मुझे याद आ गया नाज़रीन के लिए और सारे लोगों के लिए। देखिए, हदीस के अंदर बाएं हाथ से खाने और पीने से मना किया गया है, बाएं हाथ से, यानी खाना और पीना हमारा किस हाथ से होना चाहिए, दाएं हाथ से, हाँ जी ठीक है। लेकिन खाने खाने को प्लेट में निकालने के लिए ऐसी कोई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप जब खाना निकाल रहे हो तो ये भी दाएं हाथ से ही होना चाहिए। आप जो है खाना बाएं हाथ से भी निकाल सकते हो, ख़ास तौर से उस वक्त जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है। इस खाने पीने या कोई भी शरीफ अमल करने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करना सुन्नत है, और खाने के लिए तो दाएं हाथ का इस्तेमाल करना वाजिब है। दो मसला है, एक है खाना पीना, तो खाना पीना तो दाएं हाथ से वाजिब है। दूसरा है खाने पीने के प्रोसेस में जो बहुत सारे काम आपको करने होते हैं उसमें दाएं हाथ का इस्तेमाल करना वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है, ठीक है। अब अगर आप कई लोगों के साथ खाना खा रहे हैं तो जाहिर है वहाँ पे खाने को आपको चम्मच से निकालने की भी ज़रूरत है अपने प्लेट में। अब वहाँ पे खाना खाते हुए अगर आप दाएं हाथ से निकाल रहे हैं तो आपके हाथ में जो कुछ खाना लगा है वो चम्मच में या दूसरे बर्तन में लगेगा, जो कि दूसरे लोग भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक सुन्नत पर अमल करने के लिए आप दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, और सुन्नत पर अमल करने के लिए दूसरों को तकलीफ देना ये हराम है, और सुन्नत पर अमल करना तो सुन्नत है। जी लिहाजा अगर आप ग्रुप में खा रहे हैं तो खाना लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है बर्तन में या चम्मच में या जिससे भी खाना निकाल रहे हैं उसमें आपका जूठा या खाना इस तरह से ना लगे कि दूसरों को तकलीफ हो, क्योंकि दाएं हाथ से खाना निकालना ये वाजिब नहीं है, खाना वाजिब है, निकालना सुन्नत है। लिहाजा सुन्नत पर अमल करने के लिए आप दूसरों को तकलीफ ना दें। देखिए, अल्लाह के नबी ससम की एक हदीस है, सही हदीस है, कि एक सहाबी जी के घर आप तशरीफ ले गए तो वहाँ पर उन्होंने आपको खजूर खाने के लिए पेश किया, तो अल्लाह के नबी ससम खजूर खाते तो जो खजूर की गुठली थी दो उंगलियों के दरमियान उसको रखते, यानी हाथ को उल्टा करके, जैसे हाथ को सीधा करके नहीं, हाथ को उल्टा करके दो उंगलियों के दरमियान खजूर को रखते, फिर उसके बाद जी उसको उछाल देते, फेंक देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों कर रहे थे? जैसे सीधे हाथ से हम खाते हैं तो उसमें हमारा जूठा भी लगता है। अब अगर उसी गुठली को हम हाथ से पकड़ेंगे, फिर दोबारा उसी हाथ से हम प्लेट में से खजूर निकालेंगे तो हमारा जूठा उसमें लगेगा। तो अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा तो लोग बरकत के लिए भी इस्तेमाल करते थे,
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद अपनी उम्मत को सिखाना भी है कि अगर आप ग्रुप में खा रहे हो तो दूसरे लोगों की आप रियायत करो। बहुत सारे लोग दाएं हाथ से खाने का जो मसला है उसको नहीं समझ पाते हैं और वो ग्रुप में खाना खाते वक्त उनके हाथ में जो कुछ लगा होता है पूरा चम्मच में लगा देंगे। उनसे अगर आप पूछोगे कि ऐसा ये गंदी हरकत क्यों कर रहे हो तो कहेंगे भाई दाएं हाथ से खाना ये वाजिब है। भाई खाना वाजिब है, लगाना वाजिब नहीं है। लिहाजा खाना लगाने के लिए ये बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो ग्रुप में खाते हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, पूरे हाथ में उनके खाना सना हुआ होता है, उसी हाथ से वो चम्मच को पकड़ेंगे और खाना लगाएंगे। अब दूसरा आदमी जिसे बहुत सबकी तबीयत अलग अलग होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग तो उसको तहम्मुल कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को घिन महसूस होगी आपके जूठे से। तो आप ये हरकत ना करें। खाना सुन्नत है दाएं हाथ से खाना वाजिब है, दाएं हाथ से लगाना सुन्नत है। अगर आप अकेले में खा रहे हो आप जैसे चाहो करो, लेकिन आप ग्रुप में हो तो लोगों को तकलीफ मत दो इस सुन्नत पर अमल करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि मैं मेरी बात वाजे होगी इंशाल्लाह।